हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब मौसम देखिए, मौसम भाई चंडीगढ़ में सुहाना होता है बट गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अभी अभी दीदी ने एक बहुत ही अच्छी फुटेज कैप्चर की है, बहुत ही अच्छी। और मैं कब से यहीं पे हूँ, एल्टिंग कर रहा हूँ। और आज मैं जाने वाला हूँ कोबू के यहाँ, खरड़ प्राइम सिटी, मामी जी के यहाँ, मामा जी के यहाँ, उनसे मिलने। और मुझे भी थोड़ा सा काम है। कोबू भी मेरा कब से वेट कर रहा है, उसको बोल रहा था कि उससे सैटरडे कब आएगा। और दीदी इधर अपनी स्टोरी डाल दी है वो वाली, मेरे को बहुत ही प्यारी बनी, बट मेरे को लगता है कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, बट नहीं आएगा। और वो सामने वाली बिल्डिंग में कबूतर आ गए हैं, ठीक है। और मौसम वहाँ का एकदम बढ़िया, मतलब लाइट पड़ रही थी एकदम सूरज की, वो पूरी उस साइड। तो ठीक है, मैंने मामी से बात कर लिया, वो 42 सेक्टर आए हुए हैं। जब वो वापस जाएंगे तो मेरे को कॉल कर लेंगे, मेरे को यहाँ से पिक कर लेंगे। मैंने उनको बोला 20 मिनट पहले कॉल कर देना मेरे को, तो मैं तब तक रेडी हो जाऊँगा। फिर रेडी हो जाऊँगा तो फिर उनके साथ निकल जाऊँगा। दीदी परमिशन दे दे दे, मामी वाल जाने दी, खुली छुट्टी है। पीरा ने पीरा बच्चा, बस दीदी का यही है, मेरी बेइज्जती करती रहते हैं। आईब्रो, मतलब आईब्रो से ही, बस आईब्रो से। तो बोला कि हाँ जाओ। यार दोस्तों आप बताना, अभी आप ही बताओगे, मेरा पहाड़ी स्लैंग जब आ जाता है तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? या तो मैं ऐसा करता हूँ, पहाड़ी में बनाता हूँ। अब यहाँ पे जो सारे लोग हैं, किसी को समझ नहीं आएंगे यहाँ पे मैं जो भी बोलूँगा। लगभग कुछ लोगों को समझ आएंगे, हरियाणवी को, जो हिमाचल से, उनको तो समझ आएंगे, बट ऐसे किसी को नहीं आने वाले। तो मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग आई थिंक मैं पहाड़ी में बनाता हूँ। आप बताओ, अगर आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, ओके, मैं कम्युनिटी टैब भी डालूंगा। और हाँ, वो एरोप्लेन आ गया, मैंने बोला था ना एरोप्लेन देखता रहता हूँ यहाँ पे, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा। आप बताइएगा कि मैं पहाड़ी में ब्लॉग बनाऊँ या नहीं, जा चिपकने की जरूरत नहीं है। तो गाइस अभी कोबू को बिल्कुल पता नहीं है, मैं आ गया हूँ, इसको चमकाते हैं बाकी। हेलो मामा। हेलो। क्या बोल रहा है? क्या खाना नहीं खाना है तेरे को? बस ना यही चाहिए, फेम चाहिए तेरे को ना, बस कैमरा खोल के बैठ जाए और बस तेरे ना ऐसे फोटोज लेते रहे ना, है ना? वीडियो बना दो क्या? नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के व्लॉग में सुबह सुबह शूट करने वाला हूँ। कोबू उठ नहीं रहा था, मैंने फैन बंद कर दिया और अभी ये उठ गया, भैया फैन ऑन कर दो, बट मैं नहीं करने वाला हूँ। और हम दोनों जाने वाले थे मामू जी के साथ स्टेडियम, उनका मैच था, अभी पता नहीं वो चले गए, मेरे को नहीं पता। 10:30 हो गए। 8:30 उठने को बोला था, और जब मैं उठा था 9:30 बजे थी। और फिर मैं तो फिर भाई ब्रश और तौलिया लेके ऐसे बैठा हूँ कब से, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 2 आवर्स। मतलब कि मैं यहाँ मतलब है तो कुछ लाने आए होंगे मैच के लिए। तो गाइस हमें रीजन पता चल गया है कि मामू क्यों नहीं गए। ये देखो मुंबई बन गई है, मुंबई नहीं दिल्ली बन गई है। दिल्ली में भी यही हाल है, अभी चंडीगढ़ में ऐसा हो रहा है। दिल्ली बन गई और क्या, वो भी डांस कर। ये अपने गानों पे नहीं देता कॉपीराइट। देखो दोनों डांस रहे हैं।
ठीक है बढ़िया बढ़िया हस्ती करना कोविड फिर से करना वो बहुत बोलते है ना वो भी बहुत बोलता है इसमें कॉपीराइट है क्या? तो गाइस हमें गेम खेलने लग रहे हैं और उस गेम का नाम है वर्ड पावर, जैसा देख सकते हो। इस गेम में ऐसा काम करता है, कोई वर्ड चूज करते हो आप और फिर सीधा उसका ही कॉर्ड होता है। और ये देख रहे हो, इससे आप रैंडम वर्ड्स बनाते हो, इनमें से रैंडमली बस ऐसे पिक करके। गाइस मैं काफी टाइम बाद आ रहा हूँ और मैं और कोवी गेम खेल रहे थे, बहुत टाइम लग गया, देखो बहुत ही ज़्यादा, कम से कम हमें 1.5 घंटा हो गया खेलते इसे। और बहुत झगड़ा किया कोवी ने मेरे साथ। मैंने झगड़ा नहीं किया। हाँ मेरे साथ बहुत झगड़ा किया इसने। कोवी क्यों क्यों झगड़ता है मेरे साथ? हाँ पहले नंबर वन मुझे एक नया मिल गया। इनकी वॉल की एक वो भी बनाई है मैंने, पेंटिंग बनाई है। सामने वाली वॉल देख लो आप, ये मतलब जितनी मैं फ्रेम ले रहा हूँ ना वो देख लो आप। ये क्या पेंटिंग? मैं आपको बाद में बताऊंगा वो। तुम्हें नहीं पता कि चौरस है तो चौरस कहाँ जाएगा है? तुम्हें नहीं पता? वो डबल लेके उधर हर चीज का बस तुमसे निकलवाने की देखो, बस जिद बड़ा होता है, बस अब निकाल दो बस। वो भी दे, रिकॉर्ड तो नहीं कर देना सारा कर लिया रिकॉर्ड मैंने बस। जैसा देख सकते हो मैं इधर हूँ, कोई ठाकुर आपका फैन, तो पता है हमें प्रैंक करने वाले हैं अभी यहाँ पे, जो आप नहीं जान सकते, लेकिन हम थोड़ी देर में देखेंगे वो छोटा सा प्रैंक। हेलो गाइस, तो कोविड ने मेरे को बोला है कि निकलो यहाँ से, मैं चला जाऊँगा, मैं कल जा रहा हूँ, फिर मैं नहीं आने वाला। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ बताना है कुछ आप लोग इतना जान लो बस, ये का बाय बाय मेरी एक बात सुनो भैया, यहाँ पे मुझे चिल्ला रहे हैं, वो बोले गेम ना खेलो और मैं खेलने को बोला और ये बोले नहीं, तो ठीक है। हाँ ठीक है, पैक अप बाय। हे गाइस, मामा मामी जी के यहाँ से निकलने के बाद मैं इंस्टीट्यूट गया और इंस्टीट्यूट से अभी घर आ गया हूँ रूम में। देखो पता है इस व्लॉग में मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, क्योंकि मैं मामा मामी जी के यहाँ पे गया था तो मेरे को रेस्ट करनी थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मज़े किए बस अपने, मैंने ब्लॉगिंग ज़्यादा बिल्कुल नहीं की, बहुत कम की। ठीक है, ये वाला ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे अभी, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा बाबी जी।